इस्तेमाल है। लिंगमपल्ली में इमाम के ऊपर हमला करने का वाकया पेश आया था। उसी सिलसिले में इमाम साहब ने हुकूमत और पुलिस से जल्द हमला आवारों पर कार्रवाई की अपील की। सुनते हैं इमाम साहब की जुबानी। मदरसे मजहर जामिया अरबिया मजहर उलूम थाना नगर लिंगमपल्ली जो मदरसा है, वो मदरसे के मसाइल तकरीबन 9 महीने से चल रहे थे। उसी मसले में जुमा के दिन मस्जिद हुसैनी थाना नगर लिंगमपल्ली के पास मैं और मेरे और एक साथी मस्जिद के बाहर खड़े हुए थे, तो जनाब सादिक अली साहब और उनके बेटे और उनका भांजा अकरम और उनके पोतरे और उनके नवासे का दोस्त, ये सब वहाँ खड़े रहकर तानाजानी कर रहे थे कि 9 महीने हो गया मदरसे का मसला हल नहीं हुआ, 9 महीने हो गया बच्चा निकलता बच्ची निकलती, स्कैनिंग करा लो, ऐसे तंजिया जुमले बोल रहे थे वो लोग। और एक बेटा है उनका इलियास, वो ये बार बार ये बोल रहा था कि मुहर्रम का महीना है, पीरा ठंडे पड़े हुए हैं और आज 10 मुहर्रम में आज पीरा उठेंगे समझे थे, लेकिन पीरा ठंडे पड़े हुए हैं, साड़ियाँ पहनाओ ब्लाउज पहना लोगों को, ऐसे जुमले तंजिया जुमले बार बार बोल रहे थे। तो हम अपने और एक साथी का इंतज़ार करते खड़े हुए थे वहाँ। जब दूसरे साथी आए हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक़्त जनाब सादिक अली साहब के भांजे अकरम बार बार ये बोलते जा रहे थे कि 9 महीने हो गया स्कैनिंग करा लो, बच्चा निकलता बच्ची निकलती, बच्चा निकलता बच्ची निकलती, ये जुमला बार बार दोहरा रहे थे उन। तो कैजुअली जैसा वो लोग बोल रहे थे वैसे ही मैं अपने दोनों साथियों के सामने ये जिक्र करा कि स्कैनिंग कराए तो हलाल का निकलता है हराम का निकलता सब मालूम हो जाता, बल्कि ये जुमला एक जुमला मैं बोल दिया, ना उनको हराम ही बोला ना उनके ख़ानदान को हराम ही बोला ना किसी को कुछ बोला, बस ये जुमला बोला मैं कि स्कैनिंग कराने के बाद हलाल का निकलता या हराम का निकलता वो स्कैनिंग मालूम हो जाता, बल्कि ये बात जुमला बोल के हम लोग चले गए। चले जाने के बाद अपने काम का जुमला मैं बोल दिया, ना उनको हरामी बोला ना उनके ख़ानदान को हरामी बोला ना किसी को कुछ बोला, बस ये जुमला बोला मैं कि स्कैनिंग कराने के बाद हलाल का निकलता या हराम का निकलता वो स्कैनिंग मालूम हो जाता, बल्कि ये बात जुमला बोल के हम लोग चले गए। चले जाने के बाद अपने काम वगैरह कर ले गए, असर की नमाज पढ़ने के लिए आए, असर की नमाज पढ़ने के लिए आए थे। जब आए थे जब ही हमको कुछ थोड़ा बहुत नक्शा दिख गया था कि लोग पूरे ठहरे हुए थे, उनके बहुत से बच्चे बगैर नमाज पढ़े के बाहर पूरा प्लान बना के बाज़ाब्ता ये लोग ठहरे हुए थे। जैसे ही मैं नमाज पढ़ के निकला बाहर, उनका एक बेटा इस्माइल मौलवी इस्माइल है वो हमारे साथ पढ़ा हुआ है साथी छे, वो आया मेरे करीब आके मेरे को खींचने लगा। तो मैं बोला इस्माइल देख मसला कुछ भी नहीं है, बोला बैठ के बात करेंगे, आज 9 महीने हो गए मदरसे का मसला चलते हुए, हम लोग हर वक्त यही बोल रहे हैं मदरसे की कमेटी को और ये नायब सदर जो मदरसे में सारे घपले मतलब नायब सदर की है, तो इन लोगों को हम लोग बोल रहे हैं 9 महीने से कि आओ बैठ के बात करेंगे, हमने सामने बैठ के बात करेंगे, तो 9 महीने से ये लोग आज तक भी आमना सामना बैठ के नहीं बात करें। तो इस्माइल जब मेरे को खींचने लगा था तो मैं उसको बोल रहा हूँ ये कि भाई ये बैठ के बात करेगा तू, ये गड़बड़ रखो कर, बोले तो
इस दूसरे हफ्ते में हमारे एक और एक साथी नईम भाई उसको रोकते हुए हटाते हुए करे तो नईम भाई के सामने ये बात बोला कि नईम भाई आप हट जाओ, ये जाती मसला है, समय मसला नहीं है, ये जाती मसला बोल के बोलने की वजह से दूसरे अफराद जो वहाँ थे सो लोग किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं हुए, जिसके नतीजे में सिर्फ मुझे तनहा कर दे के वो लोग उनको वो लोग पूरे हावी हो गए। तकरीबन सादिक अली साहब के बच्चे, उनके पोतरे और एक उनका भांजा है और एक नवासे का दोस्त है, ये सब मिलके मारना शुरू कर दिए। हर जगह बचते हुए बचे मुझ पर खातिलान हमला, क्योंकि ये जुमला वो लोग बोलते हुए कर मार रहे थे कि लाओ इसको बाहर, आज इसको ख़त्म करके मसला ख़त्म करेंगे। इस जुमले और मारपीट और आखिरी मरतब पिलर के पास, मेंबर के पास, मस्जिद के मेंबर के पास जब मैं वहाँ नीचे गिरा दिया गया, मेरे बाजब्ता पैर पे मारे, मेरे मारते मैं नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद फसली में कोई आयर ऐसी चीज़ लेके मारे जिसकी वजह से मेरे को होश नहीं रहा। वो क्या चीज़ थी, कैसी थी, वो कौन मैं देख नहीं सका, नाम वगैरह बोल सकते हो? इसलिए कि मैं दाएं तरफ उनका पोतरा था, बड़ा पोतरा असलम नामी पोतरा, वो था मेरे बाएं दाएं तरफ, तो वो वहाँ मार पड़ने के बाद मेरे को होश नहीं रहा, मेंबर के पास मारने के बाद। अब मेरा मुतालबा यही है कि मुझे इंसाफ मिले। ये मदरसे का मसला अलग है, ये मारने का मसला अलग है, लिहाजा मुझे जो मारा गया इस मसले में हुकूमत से भी मेरी इल्तिजा है और कमिश्नर साहब से भी मेरी गुजारिश है कि वो इस मसले को संजीदगी के साथ और एक तरफा न देखते हुए, दोनों तरफा देखते हुए मेरे साथ इंसाफ करें।